महाराष्ट्र चुनाव के रिजल्ट आने के 10 दिन बाद भी राज्य में सरकार को लेकर अब भी सस्पेंस बरकरार है और इसी बीच बीजेपी शिवसेना 50-50 फॉर्मूले को लेकर आमने सामने हो गई है। शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत लगातार हमला बोल रहे हैं बीजेपी पर और संजय राउत ने कहा है कि हमारी बात सिर्फ सीएम पद को लेकर होगी, बाकी किसी मंत्रालय को लेकर समझौता नहीं होगा। हम व्यापारी नहीं, शिवसेना बीजेपी के सामने घुटने नहीं टेकेगी, जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा भोगेगा। तो आपको बता दें कि कुछ दिन पहले इस तरह से बातचीत चल रही थी कि शायद सीएम पद शिवसेना को न देकर शायद जो बड़े बड़े विभाग हैं वो शिवसेना को दिए जा सकते हैं, इस पर कहीं ना कहीं ये बातचीत खत्म कर ली जा सकती है। लेकिन उसी पर अपनी बात को साफ करते हुए संजय राउत जो लगातार बीजेपी पर हमला कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं, निशाना साध रहे हैं और उन्होंने कह दिया है कि जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा भरेगा, हमारी बात सिर्फ सीएम पद को लेकर हुई है ना कि किसी मंत्रालय को लेकर, तो समझौता वही होगा, हम व्यापार नहीं कर रहे हैं। तो तीखा हमला शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत का बीजेपी पर, बीजेपी के सामने घुटने शिवसेना नहीं टेकेगी। तो 10 दिन बीत चुके हैं लेकिन ये सियासी ड्रामा जो है, महाराष्ट्र का जो महाड्रामा है वो लगातार जारी है। अंत कब होगा कोई नहीं जानता, क्योंकि एक तरफ जहां शिवसेना 50-50 के फॉर्मूले को लेकर अड़ी हुई है तो वहीं बीजेपी भी अड़ी हुई है। देवेंद्र फडणवीस ने साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो ही बनेंगे और 5 साल के लिए बनेंगे। सीबीआई इस एजेंसी का मिसयूज अब तक सरकार बनाने में जिसने जिसने भी किया है वो बुमरैंग हुआ है। महाराष्ट्र में ये सब बातें उस हद तक चली 4-5 साल में, अब नहीं चली। सर मैंने ये भी देखा है कुछ क्रिमिनल लोग हैं, गुंडे हैं, जेल से छूटे हैं, जेल से छूटने के बाद राजनीति में बड़े बड़े पदों पर आप बैठे हैं, सरकार का उन्हें आशीर्वाद मिला है। 10 दिन में ये गुंडों ने भी बहुत कोशिश की है दबाव डालने की, लेकिन ये गुंडागर्दी ज़्यादा दिन तक नहीं चली और सब गुंडे भी बिल में घुस गए।